देखिए, सुशांत भाई इतने कमजोर नहीं थे कि आत्महत्या कर लें। वो उसे हमारी बहुत लंबी चौड़ी बात हुई थी बिग बॉस के टाइम, और जिस तरह के वो इंसान थे वो आजकल के दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है। और हम सीधी भाषा में कहेंगे कि नेपोटिज्म इंडस्ट्री में एक काला सच है, क्योंकि बाहर का दुनिया बहुत चकाचौंध लगता है लेकिन अंदर ना बहुत गंदे और कचड़े लोग भरे हुए हैं, और नेपोटिज्म की बलि चढ़ गए सुशांत भाई। उनसे पूछने वाला उनका कोई अपना जो उनका दर्द पूछे, इतनी लंबी चौड़ी इंडस्ट्री, इतने बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े तामझाम वाले प्रोड्यूसर डायरेक्टर, लेकिन उनको कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाया इंडस्ट्री में, क्योंकि किसी को ये बात मतलब कि रास नहीं आई कि बंदा ने इतना मेहनत करके बिहार से निकल के और वहां पे अपनी छाप छोड़ी, तो ये पचा नहीं किसी को। तो भाई भतीजावाद तो हर जगह होता है, यहां भी एकदम पूरा जोरों पर है, और कोई पूछता नहीं था उनको। उन्होंने बार बार बयां किया इस दर्द को कि कोई हमको पूछता नहीं है, कोई हमको बुलाता नहीं है, और ये इंडस्ट्री हमको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। और आखिरकार जब कोई अपना कंधा, अपना कोई यार, इंडस्ट्री का कोई दोस्त नहीं था उनके गले लगने के लिए, तो उस बंदे ने 2 फुट की रस्सी को गले लगा लिया। और ये हमको सोचना पड़ेगा कि हम भाई भतीजावाद और नेपोटिज्म से जो पैदा होते हैं बड़े बड़े स्टार, सो कॉल्ड स्टार, क्योंकि जिनके अंदर कलाकारी के नाम पे क भी नहीं है, तो उनकी फिल्म देखते हैं और 100-100 करोड़, 200-200 करोड़ एकदम चाँप के उनको दे रहे हैं पैसा अपने जेब का। और जो यहां से मेहनत करके बंदा आगे बढ़ता है, पंकज त्रिपाठी साहब हो गए, मनोज बाजपेयी साहब हो गए, कंगना रनौत हो गई, तो ये जो यहां से जब यहां से निकल के ये लोग जब वहां छाप छोड़ते हैं, तो हम उनकी फिल्मों को ये कहते हैं कि यार मतलब एक्टिंग बड़ा अच्छा है, लेकिन वो कॉमर्शियली भी वो सक्सेस हम उनको करवाना चाहिए और उनको पैसा अपने पॉकेट से लगा कि वो फिल्म देखें और वो फिल्म हिट हो और 100 करोड़ 200 करोड़ कमाए वो फिल्म। तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए और प्रण लेना चाहिए कि ये जो नेपोटिज्म का जो ये बीज बहुत फल फूल रहा है एकदम जोरों शोरों पे, जो भी लोग ये सब कर रहे हैं वो मतलब उनको उखाड़ के फेंकिए यहां से। और सुशांत भाई आप जहां कहीं हुए हैं आपकी आत्मा को शांति मिले, और होप सो कि आप वहां दर्द में नहीं हो। बस प्रणाम है आपको।